देखिए मुलाकात का ये मकसद है कि वतन जिस हालत में है कि हर तरफ से बर्बादी है, इस बर्बादी को रोकें कैसे। गरीब पिस रहा है, अमीर भाग रहा है, इन्हें हर हालत में आप देखें नफरतें बढ़ रही हैं, हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ। तो ये वतन जो है ये सबका वतन है, इस वतन को कैसे हम इस मुसीबत से बचाएं, इसको फिर से उस बुलंदी पे ले जाएं जहां गरीब भी बचेगा और दूसरा भी बचेगा, और हम लोग एक जो है इस सारे देश को इकट्ठा रख के आगे बढ़ा सकें, ये मकसद है। अपोजिशन को एक अम्ब्रेला में लाने की कोशिश है, लेकिन क्या ऑल पार्टी लीडर जो है वो राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन मानेंगे? देखिए न तो किसी ने ये कहा कि कौन अपोजिशन का लीडर है, न राहुल गांधी ने कहा कि मैं लीडर हूँ अपोजिशन का। इसे ये जो आप बात करते हैं कि क्या उसको अपोजिशन, ये बात नहीं है। बात ये है कि वतन बचेगा कैसे, क्या हम लोग सब इकट्ठे बैठ कर ये सोच सकते हैं कि इस वतन को आगे कैसे ले जाएं, वो बात है। ये नहीं है कि मैं लीडर हूँ, ये लीडर है, कौन लीडर है। देखिए प्रधानमंत्री तभी कोई बन सकता है जब बहुमत होगी। बहुमत के लिए पहले हमने तैयारी करनी है, सबको इकट्ठे करना है। जब वो बहुमत बनेगी तब खुद ब खुद प्रधानमंत्री भी बन जाएगा जिसको बहुमत बनाएगी। उससे पहले कोई चेहरा तय नहीं होगा। क्या जरूरी है चेहरा तय करना? क्या जरूरी है चेहरा तय करना? जरूरी नहीं है, वतन बचाना जरूरी है। वो कैसे बचाएंगे वो सवाल है। सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ जनाब वक्त पे होगा, बातचीत हो रही है, इंशाल्लाह मुझसे भी बात हुई, बाकियों से बात होगी, बाकियों से भी बात करेंगे, और एक ऐसी सूरत बनेगी जिसमें कि यूनिटी ऑफ होगी और हिंदुस्तान को जो डाइवर्सिटी है उसको मजबूत कैसे किया जाएगा उस पर आगे सोचो। अरे यार सबके साथ आप घबराते क्यों हो? अभी से क्यों घबराते हो? सबसे साथ मुलाकात, प्लीज प्लीज। द क्वेश्चन वॉज टुडे द चीफ मिनिस्टर केम, ही इज ट्राइंग टू सी whether we can save the diversity of India and unite India with its diversity so that everybody from poor to the rich feels he belongs to this nation and will work for the progress of the nation. Today nation is in disarray, the prices have gone to the sky, poor is getting poorer and poorer, and unfortunately the farmers are still killing themselves. Everybody is now looking at what is going to happen to this nation. But sir, and for that, the situation is arising where the leaders are going to meet and find a way forward to keep this diversity alive and to keep India alive. But sir, look, let me tell you, we will say a lot of things, but when time will come, we will unite and make India great. That is our task. Is that right? Yes, sir.